हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है हमारे पास, नोटिफिकेशन नंबर 59/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि 13 जुलाई 2020 को आया हुआ है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का जो एनुअल रिटर्न है फिनेंशियल ईयर 19/20 के लिए, उसके ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो नोटिफिकेशन नंबर 59/2020 है, ये क्या बोल रहा है। तो नीचे आ जाइए, मैंने हिंदी में लिख दिया है क्योंकि कुछ बातें आपको बतानी थी मुझे। GSTR-4 जो कि कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न है, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है फिनेंशियल ईयर 19/20 से, इसके ड्यू डेट को जो है 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है हमारे फिनेंशियल ईयर 19/20 के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान क्या देना है कि हमारे फिनेंशियल ईयर 19/20 के GSTR-4 रिटर्न के ड्यू डेट को, GSTR-4 क्या है, हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न है। ठीक है, इसके ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। इसका लास्ट डेट 15 जुलाई 2020 था, जिसको अब बढ़ा के 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत ही कुछ बताने लायक नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पोर्टल पे हमारा जो GSTR-4 है वो अवेलेबल है ही नहीं। तो अवेलेबल जब है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसका डेट एक्सटेंड होना ही था। मुझे बताना ये था कि 17/18 और 18/19 के लिए ये क्वार्टरली रिटर्न था, जो कि हमारे फिनेंशियल ईयर 19/20 के लिए एनुअल रिटर्न है। क्लियर है पहली बात। और अब हमारे लिए अब सबको पता ही है कि फिनेंशियल ईयर 19/20 से हमारा जो क्वार्टरली रिटर्न है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, जो कि एक्चुअली रिटर्न नहीं है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, वो है CMP-08। इसके साथ मैं एक बात और भी बता दूं कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि CMP-08 जब वो लेट से भी फाइल कर रहे हैं तो भी उनका लेट फी नहीं लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो CMP-08 है वो रिटर्न नहीं है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, केवल स्टेटमेंट है, इसीलिए उसका कोई लेट फी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि GSTR-4 से कन्फ्यूज नहीं होना है। 17/18/18 के लिए ये हमारा क्वार्टरली रिटर्न था, उसको वहीं पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, 19/20 से ये हमारा एनुअल रिटर्न है। ठीक है, और फिनेंशियल ईयर 19/20 से इसको फाइल करना बिल्कुल मैंडेटरी है, और इसका जो लास्ट डेट है फिनेंशियल ईयर 19/20 के लिए वो है 31 अगस्त 2020, मतलब कि 31 अगस्त 2020। तो आइयो, जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई वो आपको क्लियर हो गई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।